हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आज अपन जानेंगे दोस्तों सिस्टाफ्लेम जेल के बारे में, जो कि एक दर्द निवारक के रूप में काम करता है। दोस्तों, अगर किसी प्रकार का बॉडी में दर्द हो तब इसका यूज़ किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं दोस्तों। पैकिंग देखिए इसकी, बहुत बढ़िया है। इस तरह की जो पैक में आता है, इसकी जो इसमें जो दवा है दोस्तों वो 50 ग्राम है। वो इसका जो छोटा वाला भी है दोस्तों, इसमें जो दवा है वो 25 ग्राम है। और ये जो है सिस्टोपिक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसकी जो MRP है दोस्तों वो भी देख लेते हैं। MRP है दोस्तों 108 रुपये है। और इसकी MRP भी देख लेते हैं, इसकी 65 रुपये है। तो ये सभी दवा दुकानों पर आसानी से मिल जाता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जो सिस्टाफ्लेम जेल है दोस्तों, ये जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी दवा के अंतर्गत आता है, जो कि दर्द निवारक के रूप में काम करता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग जो है गाठियावाद, माइग्रेन, मांसपेशियों में ऐंठन और जोड़ों की स्थिति के उपचार में दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। यह जो है गाठियावाद के कारण होने वाले दर्द, सूजन और जोड़ों के जकड़न को प्रभावी रूप से राहत देने के लिए उपयोग किया जाता है या यूज़ किया जाता है दोस्तों। यह जो दवा है डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब भी की जाती है या निर्देशित की जाती है। इसमें जो ड्रग मिली हुई है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली है दोस्तों डाइक्लोफेनिक। यह जो है दर्द निवारक के रूप में काम करता है, दर्द सूजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों डाइक्लोफेनिक के रूप में। यह जो ड्रग है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के रूप में जानी जाती है। अब जानते हैं दोस्तों मिथाइल सैलिसिलेट के बारे में। इसका उपयोग जो है मामूली दर्द, मांसपेशियों जोड़ों में दर्द हो रहा हो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। पीठ का दर्द आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों टर्पेंटाइन ऑयल के बारे में। यह जो है दर्द निवारक के रूप में काम करता है। यह जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित दर्द को ठीक करने का काम करता है। अब जानते हैं दोस्तों मेथनॉल। जो मेथनॉल है यह त्वचा को ठंडा रखने का काम करता है दोस्तों। इसमें एक ड्रग और है मेफेंसिन। यह जो है श्वास संबंधी रोगों के लिए यूज़ की जाती है। यानी आप अपन सीने में भी अगर कुछ दर्द हो रहा हो तो आप सीने में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सीने में लगा सकते हैं आप इसको। ये दर्द से राहत दिलाने का काम करती है। पीठ का दर्द हो, सीने का दर्द हो तो इसको लगा सकते हैं दोस्तों। सिर का दर्द हो। अब जानते हैं इसके उपयोग कब करना चाहिए दोस्तों। अगर जोड़ों में दर्द बना रहता है तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। मांसपेशियों में अगर खिंचाव हो गया हो तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर मोच आ गई हो, कहीं से गिर गए हों और मोच आ गई हो पाँव में, तब भी इसका यूज़ कर सकते हैं। या शरीर में किसी जगह मोच आ गई हो तब भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और चोट लगने के कारण होने वाले दर्द में भी इसका यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। और गाठियावाद संबंधित दर्द में और बॉडी में अन्य प्रकार के दर्द में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे इसके उपयोग। इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं वो भी जान लेते हैं। जैसे कि स्किन में खुजली हो जाना, ईचिंग स्किन हो जाना, स्किन में छाले पड़ जाना, स्किन में दाने आ जाना, स्किन में जलन पड़ना, ये इसके साइड इफेक्ट हैं दोस्तों। इसलिए इसको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। इसको लगाना कैसे ये जान लेते हैं दोस्तों। जिस जगह पर दर्द हो रहा है उस जगह पर इसको अप्लाई करना है, अच्छे से साफ करके फिर इसको लगाना है और हल्के हाथ से मालिश करना है। ठीक है दोस्तों, ये दिन में दो बार लगा सकते हैं आप। जब भी आपको दर्द हो तब लगा सकते हैं आप इसको, लेकिन डॉक्टर की सलाह से लें दोस्तों। इसमें बताया भी गया है लगाना कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों सिस्टाफ्लेम जेल के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।